वेयर हाउस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के डाला है जहाँ पर मैंने वेयर हाउस के इंटरव्यू क्वेश्चंस डाले, लेकिन बेसिकली प्रोसेस कैसा होता है वेयर हाउस का। वेयर हाउस यानी कि ऐसी सिचुएशन है, ऐसा एक एसेट का, या फिर बात करते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वन टाइम होती हो, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट लगता है वो मल्टी लेवल पे या फिर मल्टी टास्किंग प्रोसेस करने वाला बंदा ही मैनेज कर सकता है। तो कोई बंदे होते हैं जो वेयर हाउस के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करते, तो उनको किन टॉपिक्स पे दिक्कत आने वाली है ये दिक्कत मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ गाइस। सबसे पहले आपको एग्जैक्टली पोजीशंस के बारे में पता नहीं होता है, यानी बंदे जब अप्लाई करते हैं वेयर हाउस को तो उनको पता नहीं होता है कि उनको क्या पोजीशंस मिलने वाली है। आइदर उनको एसेट मैनेजमेंट का या फिर एसेट मेंटेनेंस का पोजीशंस मिलेगा, या फिर कोई टेक्निकली इशू वहाँ पे सॉल्व करना है उसका पोजीशंस मिलेगा, क्योंकि एसेट दो लेवल के होते हैं, एक टेक्निकल एसेट्स होता है और एक नॉन टेक्निकल यानी नॉर्मल एसेट्स होता है। टेक्निकल एसेट्स यानी कोई केमिकल रहा तो उसमें भी टेक्नोलॉजी है गाइस, यहाँ पर भी कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, कुछ कंडीशंस है उस लेवल पे काम करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट करने वाले लोग भी उस लेवल पे, उस प्रिकॉशंस के लेवल पे काम करने वाले होने इंपॉर्टेंट है। सो इंटरव्यू में ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे, एग्जैक्टली किस पोजीशंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अकॉर्डिंग टू दैट पोजीशंस आपका रिज्यूम सही तरीके से प्रिपेयर्ड है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं टेक्निकल पोजीशंस को और रिज्यूमे में पूरी चीज़ें होती है नॉन टेक्निकल पोजीशंस के, तो वहाँ पे आपको चांस या फिर अपॉर्चुनिटी मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। होगा ये कि आप इंटरव्यू में बोल पाएंगे, बोलने के बाद हो सकता है, लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में होगा तो इट्स वेल एंड गुड, वो सामने वाला भी पढ़ के समझ सकता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे गाइज इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्लाइंडली अप्लाई करते हैं, यानी उनको जॉब चाहिए यही मोटिव होता है, वो किसी लेवल पे या फिर किसी पोजीशंस पे जॉब है उनका कोई लेना देना नहीं होता। सो उन लोगों को भी वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेयर हाउस का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी होती है, एसेट को मैनेज करना, एसेट का इन आउट करना, डैमेज एसेट्स और जो यूज एसेट्स है, फ्यूचर में कितनी डिमांड्स है, अपने पास कितना स्टॉक है, सारी चीज़ें मेंटली आपको मैनेज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। सो इसके लिए आइदर आपके पास एक्सपीरियंस होना बहुत ही ज़रूरी है, या फिर आपको सही तरीके से प्रॉपर नॉलेज लेके काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो होप आपको ये वीडियो बेसिक समझ में आया होगा कि ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप कभी भी हाउसकीपिंग को अप्लाई करेंगे। सो इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर से पहले ये बातें समझ लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन बातों पे फोकस कीजिए। और इंटरव्यू के क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे उनके क्वेश्चन आंसर्स है, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन आंसर्स पिक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन गाइज, बाय, टेक केयर।